क्या ज्योतिष हमारा नसीब बता सकता है या बदल सकता है? गुड क्वेश्चन। बहुत सारे लोग इसमें भी मिसअंडरस्टूड है कि नसीब बताने का काम ज्योतिषी कर दे। ना भाई, नसीब अलग चीज है ना, हम नसीब नहीं बता पाते। नसीब जो हम बोलते हैं, कोई बोलता है उसको भगवान, कोई बोलता है उसको कुदरत, बराबर है, कुछ भी बोलो, एक्स फैक्टर, प्रारब्ध, ये सब ज्योतिष का सब्जेक्ट नहीं है। हम नसीब नहीं बता रहे। नसीब में क्या लिखा है वो तो सिर्फ भगवान बता पाएगा, या वैसे दिव्य पुरुष है वो ही बता पाएंगे, पर वैसे ढूंढना पड़ेगा, बाकी भगवान को भी ढूंढना पड़ेगा। बेसिकली हमें क्या मिलता है, कर्म कब करने के लिए क्या मिलता है हमें, काल का ज्ञान। क्या मिलता है? काल का। और ज्योतिष काल का ज्ञान बताता है, नसीब नहीं बताता। तो नसीब का नहीं खेल है, ये खेल है कर्म का। नसीब का खेल ज्योतिष का है ही नहीं। मेरी कुंडली में अच्छे योग है, फिर भी मेरा जीवन सामान्य है, योग का कोई असर नहीं दिखता है, ऐसा क्यों होता है? गुड क्वेश्चन। अभी मैंने आज तक बहुत सारे 20 22 25 सालों से जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, मैंने ऐसा ही देखा है। ज्यादातर लोग ऐसा ही बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो लोग कंपेरिजन कैसे करते हैं, वो भी प्रश्न है ना। मेरा अच्छा नहीं है तो कैसे कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया? सिर्फ भौतिकता ही आपके लिए है क्या? आध्यात्मिकता, धार्मिकता, मेंटल पीस, सोशल हार्मनी, फैमिली का हार्मनी, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है? तो आपके ग्रह अच्छे हैं तो हो सकता है कि आपकी सोशल हार्मनी अच्छी हो, आपकी फैमिली की हार्मनी अच्छी हो सकता है ना, आप मेंटल पीस हो, पॉसिबिलिटी है। अगर कुंडली अच्छी है तो ये अच्छा होगा। हो सकता है भौतिकता से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो भौतिकता में तो मात्रा आती है ना, कितना पैसा, कितनी गाड़ी, कौन सी गाड़ी, तो सब तो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के लिए फिर बात आ जाती है आपके पुरुषार्थ पे, क्या आप उसके लायक हो, आपने उतनी पढ़ाई की है या आप उतना एफर्ट्स करते हो, आप उसकी एक्सपर्टीज है। क्योंकि हर बंदे को बंदा है, उसको बनना है अरबोंपति मिलियनर्स, तो वो तो उसकी वॉल्यूम कैपेसिटी भी होनी चाहिए ना। कुंडली अच्छी है पर कैपेसिटी नहीं है तो। मेरे को एक इंसान मिला था कि मुझे एक ज्योतिषी ने बोला था कि आपके चारों ओर गाड़ियां होगी। ट्रैफिक पुलिस था तो वो तो सही हो गया ना, वो तो एक मजाक की बात है, पर ऐसा नहीं होता है। बेसिकली वो वॉल्यूम का गेम है, उसमें पुरुषार्थ भी डिपेंड करता है, आपके रिसोर्स भी डिपेंड करते हैं, आपका लेवल भी डिपेंड, और आपकी कैपेसिटी। अगर आप 20 साल के हो, वही कुंडली किसी एथलीट की है, समझ लो उसेन बोल्ट है, तो जो अभी दौड़ रहा है, दुनिया का फास्टेस्ट बंदा है हम बोल रहे ना, तो अब वो बंदा भी कभी ना कभी तो उसकी उम्र बढ़ेगी ना, बराबर। अगर उम्र बढ़ गई, इतना अच्छा दौड़वीर एथलीट है, तो 70 ईयर्स या 80 ईयर्स पे क्या आपको लगता है कि वो इतना अच्छा दौड़ पाएगा? तो कुंडली तो वही है, और उसी साल उसे उसके बाद 2-3 साल में अच्छे ग्रह तो आएंगे ना, कभी ना कभी। तो अच्छे ग्रह आए, कुंडली भी अच्छी थी, वो एथलीट भी है, रिकॉर्ड भी है, अब दौड़ के दिखा, तो उसका कैपेसिटी नहीं है। यहाँ बात आ जाती है कैपेसिटी की। तो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी को समझो, कैपेसिटी भी असर करती है, आपका लेवल, लेवल मतलब आप कौन से लेवल पे हो, कि आप किसी अरबोंपति के वहां ही जन्म लिया है तो आपका लेवल ही एक्स लेवल से शुरू होता है, तो लेवल तो उसको तो वो कैपेसिटी। अब उसका कुंडली खराब है तो धीरे धीरे नीचे आएगा, पर आपको क्या लगेगा वो तो लेवल इतना बड़ा, वहां से नीचे आ रहा है क्योंकि उसकी खराब है, और जिसकी कुंडली अच्छी है वो लेवल बढ़ता जाएगा, पर लेवल कौन सा आएगा वो तो आपका नसीब प्रारब्ध पे डिपेंड करता है। वैसे आपका रिसोर्सेस, आप कोई ऐसे प्रांत में जन्म लिया हुआ है कि जहां पे पॉलिटिकल बहुत स्थिरता नहीं है, बॉम्ब्लास्ट युद्ध वाला माहौल है, अभी 10-10 साल युद्ध चलते हैं, वो देश में जिसने जन्म लिया तो उसके वो पढ़ाई करेगा या रोटी खाएगा, तो उसका प्रोग्रेस भौतिक नहीं होगा भाई। तो रिसोर्सेस का प्रॉब्लम है, कुंडली का प्रॉब्लम, उसको उठा के यहां पे रख दो तो प्रोग्रेस हो जाएगा। जैसे मैं कभी कभी ऐसे एग्जांपल देता हूं कि सचिन तेंदुलकर है, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, तो अगर उनको जिम्बाब्वे की टीम में डाल दिया होता तो भी वो क्रिकेट तो वैसे ही खेलते, पर लेवल बदल जाता, लेवल लेवल बदल जाता, उनको अपॉर्चुनिटीज कम मिलती, मिलती ना, तो लेवल बदल गया, रिजल्ट बदल गया, पर कुंडली और स्ट्रेंथ वही की वही रही। तो हमें यह समझना है कि कुंडली हमें टाइम ट्रेंड बताता है, और टाइम ट्रेंड के हिसाब से सपोर्टिव टूल हमारा होता है लेवल, कैपेसिटी और रिसोर्सेज।